जय हिंद जय भारत एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है और ये भर्ती है पूर्व सैनिकों के लिए ही। सैलरी की बात करूँ यहाँ पर तो सैलरी आपको मिलेगी 30,000 से 1,20,000 तक 3% सालाना बढ़ोतरी के साथ। उसके अलावा यहाँ पर अप्लीकेबल होगा HRA DA पार्कस PR परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे और बहुत ही अच्छी जॉब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। रिक्वजिशन फॉर्म फॉर गवर्नमेंट PSU प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज बाई एक्सेसमैन GCOs की वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का पद है। यहाँ पर काम क्या रहेगा जी, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट सपोर्ट थ्रू इफेक्टिव लाइजनिंग विद द यूजर रिस्पेक्ट। यानी कि जो भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका काम है कोऑर्डिनेशन करना, मॉनिटरिंग करना, जो भी एक्टिविटी इंस्टॉलेशन आपको करना है, लगाना है वहाँ पर इक्विपमेंट, उसकी देखभाल और सपोर्ट और साथ में लाइजन करना। तो यहाँ पर जो 20 वैकेंसीज टोटल मिले आपको 24 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 10 वैकेंसीज, OBC के लिए है 6 वैकेंसीज, OBC NCL के लिए, SC के लिए 6 और ST के लिए 2 वैकेंसीज। लेबर है E1 ग्रेड का और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है हाई मांगा गया, यहाँ पे सभी के पास इस टाइप का क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इट्स अलाइड ब्रांचेस और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। अलाइड ब्रांचेस का मतलब हो गया उसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर इस तरह के जो भी आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल से रिलेटेड, मैकेनिक होता है, मैकेनिकल नहीं मैकेनिक। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इट्स अलाइड ब्रांचेस या फिर इलेक्ट्रिकल इससे संबंधित जो भी हैं कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स के, EME के, इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के, इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 15 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1 फरवरी 2024 तक। और रैंक जो यहाँ पे है शुड बी इन द रैंक ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज के समय GCO रैंक होना चाहिए। शुड हैव बीन डिस्चार्ज ऑन और आफ्टर 1/2/2019, यानी 1 फरवरी 2019 के बाद रिटायर आए गए होंगे। बिलो 50 ईयर यहाँ पे है रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट पर OBC कैंडिडेट 3 ईयर, ST को भी 5 साल की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी छूट। और जो जॉब लोकेशन यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगे जिसमें कि गुवाहाटी है, दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई, कोची, करवार, पोर्ट ब्लेयर और विशाखापट्टनम, इन जगहों पर जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर मिलेगी आपको 1,20,000 तक, और जिसमें एप्लीकेबल होंगे DA, HRA, पर्पस, PF परफॉर्मेंस रिलेटेड पे और मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये जो मुझे नोटिफिकेशन मिला है ये कहीं मीडिया से मिला है, सोशल मीडिया से, और इसका फॉर्म भी मुझे पता नहीं है कि क्या है। मैं आपको रिकमेंड आगे बताऊँगा क्या करना है। ये जो जॉब लोकेशन रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जॉब लोकेशन तो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, लेकिन जॉब जो रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का PSU एक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डीलिंग्स है उसमें काम करना होगा आपको। कंपनी एंड फुल पोस्टल एड्रेस यहां पे है मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जालाहाली पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु 560013। यानी कि जॉब है आपकी बेंगलुरु में, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे है, वहाँ से आपको जहाँ ये लोकेशंस दिए गए हैं ऊपर जिसमें गुवाहाटी है, दिल्ली है, श्रीनगर, मुंबई, कोची, इस तरह से आपको भेजा जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जो नाम है कॉन्टैक्ट पर्सन का उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, श्रीनिधि के असिस्टेंट मैनेजर HR हैं मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड नेट जो है NWCS। और उनका यहाँ पर 2 मोबाइल उनके दिए गए हैं, तो आप इन मोबाइल नंबरों पे ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता देता हूँ यदि आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, 08022195466, या फिर दूसरा है 08022195919। इन नंबरों पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उनका ईमेल आईडी भी दिया गया है
मिलकॉम MILCOM यानी कि HR हैं मिलिट्री कम्युनिकेशन के @BEL.CO.IN। और ये ज़्यादा पुराना लेटर नहीं है, 23 फरवरी 2024 को ये लेटर बेंगलुरु से साइन हुआ है और असिस्टेंट मैनेजर हैं ये मिलिट्री कम्युनिकेशन से रिलेटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में। और यहाँ पर पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे ट्रेड होते हैं ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया था सिग्नल्स के, EME के, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के, जिनके पास की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, IT से रिलेटेड उनके पास डिप्लोमा होता है, तो वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं यदि आप जा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप एक बार ज़रूर बात करें उनसे, जो नंबर मैंने यहाँ पे बताए गए हैं। और ये सभी वैकेंसीज JCOs के लिए है, यहाँ पर बताया, क्लियर बताया गया है कि ये सभी वैकेंसीज एक्सेसमेंट JCO के लिए रहेगी। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब देखो। जय हिंद।